आज के हमारे दोनों खिलाड़ियों के बीच एक चीज बड़ी कॉमन, जीतने का जुनून। तो चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप्स और सारे एक्सरसाइजेस के बादशाह यानी कि किंग आज के हमारे पहले खिलाड़ी का नाम है सुखचैन सिंह। और हमारे दूसरे खिलाड़ी एक पावर लिफ्टर, एक स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, आशीष दैव। तो चलिए बुलाते हैं हमारे आज के दोनों जिद्दी दुरंधरों को, सुखचैन सिंह और आशीष दैमा। वेलकम आशीष। वेलकम सुखचैन। सुखचैन, सबसे डिफिकल्ट फॉर्म आपको क्या लगता है, बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग? बॉडीबिल्डिंग है। बॉडीबिल्डिंग, हाँ। पावरलिफ्टिंग में तो सिर्फ वेट ही उठाना होता है। अच्छा, तो वो तो आप बॉडीबिल्डिंग में उठा सकते हो, लेकिन बॉडीबिल्डिंग में क्या है कि सिर्फ जोर ही नहीं लगाना उसमें और डाइट फॉलो करना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, तो पावरलिफ्टर्स नहीं कर सकते। तो आशीष जी, क्या डिफिकल्ट है आपके लिए, पावरलिफ्टिंग की टेक्निक या बॉडीबिल्डिंग की? पावरलिफ्टिंग की टेक्निक ज्यादा, इसमें स्ट्रेंथ दिखानी होती है जी, बॉडीबिल्डर नहीं दिखा सकते जी। आज बॉडीबिल्डर को दिखाना है पावरलिफ्टिंग में कितनी पावर होती है। ये क्या बात है, ये इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे पावरलिफ्टिंग से। इनको पता है जैसे कि आप इनको हरा के रहेंगे आज किसी भी हालत में। क्यों, ऑल द बेस्ट आशीष आपको और आपको ही। थैंक यू। और बढ़ते हमारे टास्क वन की तरफ, जिसका नाम है बेंच प्रेस। इस टास्क के बारे में मैं आपको बता दूं, इस टास्क में आप दोनों को एक एक मिनट का वक्त दिया जाएगा। इस टास्क में तीन राउंड्स हैं। पहले राउंड में 100 किलो का वजन होगा और आपको 20 रेप्स मारने हैं। दूसरे राउंड में ये वजन एड ऑन होकर 120 किलो का होगा और आपको कम से कम 15 रेप्स मारने होंगे एक मिनट। और तीसरे राउंड में ये वजन और एड होकर 140 किलो का होगा, जहां आपको कम से कम 10 रेप्स मारने होंगे एक मिनट। जो सबसे ज्यादा रेप्स मारता है एक मिनट में हर राउंड में, टोटल किया जाएगा और वो होगा इस टास्क का विजेता। एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड, रेडी सर। पहले कौन जाएगा इसका डिसाइड हम एक टॉस के जरिए करेंगे। टॉस के एक तरफ है बॉडी बिल्डिंग और दूसरी तरफ है पावर लिफ्टर। तो ये टास्क आता है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, यानी कि सुखचैन होंगे हमारे पहले टास्क परफॉर्मर। ऑल द बेस्ट सुखचैन। आशीष पहले जा रहे हैं, आप कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं? कोई नहीं, मेरे लिए तो इजी है, इसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। मेरे लिए तो इजी है, इसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आई लव द स्पिरिट। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया है टू सी देयर स्ट्रेंथ ऑन द फर्स्ट टास्क ऑफ बेंच प्रेस। आर यू रेडी? या। ओके सुखचैन, टेक योर पोजीशन। बिगिन। टू, कम ऑन, थ्री, इजी, फोर, इजी, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, लुक एट दैट फॉर्म। परफेक्ट, परफेक्ट बॉय। आराम से ब्रीथ भी करें, एक मिनट का टाइम है, डोंट वरी। कम ऑन बॉय, अमेजिंग, अमेजिंग स्ट्रेंथ, अमेजिंग स्ट्रेंथ। ऑलराइट बॉय, ऑलराइट बॉय। ओके, यू स्टिल हैव 30 सेकंड्स सुखचैन। ओके बॉय, ओके बॉय, डोंट गिव अप। कम ऑन, कम ऑन, गिव योर फुल स्ट्रेंथ। पुश, 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 पुश। ऑलराइट बॉय, ऑलराइट। Lovely, lovely display of strength for the first round. Ashish, are you ready? Yes. Go, Ashish. One, two, come on, three, four, easy, makhan. Come on, boy. Go for it, Ashish. Go for it, Ashish. आपके पास अभी भी वक्त है, थोड़ा रेस्ट लेके आप कर सकते हैं। 20 सेकंड्स आशीष, ओनली 20 सेकंड्स। इजी बॉय, इजी, ताकत, पूरी ताकत।
All right, boy. Perfect, perfect. So, easily आपने first round निकाल लिया यार. ठीली का काम है sir. रोज का काम. मुझे इनका confidence बहुत पसंद है. हम अभी चलते हैं round two की तरफ. The task begins in 3, 2, 1. Go for it. All right, boy. Come on, boy. Full strength, boy. Easy. Give your full strength. Come on. Come on. सब देख रहे हैं. चल ये आराम से ये फुल स्ट्रेंथ 120 किलो इट्स नॉट अ जोक देखो सांस लो इट्स फाइन टेक योर टाइम जा रहा है 30 सेकंड्स कम ऑन बॉय चार रेप्स और हो सकते हैं इजीली ऑलराइट ओके 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 आराम से मुझे लगता है एक और रेप जा सकता है साबित कर सकते हो मुझमें दम कम ऑन एक रेप फुल ताकत से 120 किलो कम ऑन यू कैन गिव इट डोंट गिव अप ओके आराम से आशीष आपकी बारी राउंड टू शुरू होता है प्लीज अपनी जगह ले ले 3, 2, 1 गो फॉर इट आशीष स्ट्रेंथ बॉय इजी स्ट्रेंथ ताकत ब्रीथ यस कम ऑन आशीष रुकना नहीं है इसमें तीन और जा सकते हैं यार इजीली इतना इजी जा रहा है कोई बात नहीं ब्रीथ 10 सेकेंड एक और रन जाएगा आशीष ये बस और यस परफेक्ट बॉय नाउ वी आर एडिंग द वेट टू 140 किलोस दिस इज द मैक्स सो सुशेन फुल ताकत फुल स्ट्रेंथ गो फॉर इट द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो फॉर इट सुशेन गो फॉर इट Full power. Push. Come on, yes. Push. Okay. Aram se. Sabko thoda time lo. Ye rep pura nahi mana jaye. Aram se. Bada ek bhi kaise bhi kar lo, lekin clean karna hai. Come on. Dikhana nahi hai. Main thak gaya hoon karke. Yaar, kya matlab hai? Puri community dekh rahi hai wahan pe. Come on. Do it. Cut. Dikha apna dam. Cut. All the way down. Hit! Chal. First, don't give up. 20 seconds hai, tumhare paas 20 seconds hai. Ek last time try karo, come on. Ek aur, come on. Don't give up. Sab ke liye, come on. Okay, keep it. Koi baat nahi, Chen. ये उतना उठाना भी बहुत मुश्किल है भाई आशीष आर यू रेडी बॉय यस सर ओके 3, 2, 1 गो फॉर इट आशीष इजी आशीष कम ऑन बॉय जो वाओ दैट्स अमेजिंग स्ट्रेंथ 3, 140 किलो पुश थोड़ा सांस ले लो आशीष टाइम है 40 सेकंड्स कमाल 40 सेकंड्स आराम से इजी जाएगा यार जल्दी सांस लो और इमीडिएटली शुरू करो इसमें है दम चल पूरी कम्युनिटी देख रही है वहां पे कम ऑन बॉय बस यस बस दैट्स इट बॉय अमेजिंग That brings us to the end of task one, जिसका नाम है bench press. दोनों के स्कोर कार्ड मेरे हाथ में हैं. पहले राउंड में सुखचैन ने जहां पर कम से कम 20 रेप्स मारने चाहिए थे सुखचैन हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल गए उन्होंने 24 रेप्स मारे सुखचैन कांग्रेचुलेशन फॉर राउंड वन जहां तक आशीष की बात करें तो ये पीछे कैसे हटते हैं जहां 20 रेप्स मारने चाहिए थे वहां आशीष ने मारे हैं 28 रेप्स कांग्रेचुलेशन आशीष
राउंड टू की अगर बात करें तो सुखचैन आपने इसमें टोटल 8 रेप्स मारे, जहां तक आशीष की बात करें 9 रेप्स मारे, कांग्रेचुलेशन। राउंड थ्री की अगर बात करें दोनों ने ही 4 रेप्स मारे थे, आपके चारों रेप्स एकदम परफेक्ट थे। बहुत ही अमेजिंग था, कांग्रेचुलेशन। अगर हम फाइनल स्कोरिंग की बात करें तो सुखचैन ने टोटल 36 रेप्स मारे थे, लेकिन 4 रेप्स गलत होने की वजह से उनका फाइनल स्कोर होता है 32। जबकि अगर आशीष की बात करें उन्होंने टोटल 42 रेप्स मारे थे जिसमें सिर्फ 4 रेप्स उनके गलत हुए, तो फाइनल स्कोरिंग है 38। तो 32 एंड 38, तो इसका मतलब आशीष हैज बीन द विनर ऑफ टास्क 1 बेंच प्रेस। कांग्रेचुलेशन आशीष। जुनून भी था, पावर भी लगती है, और एक जिद है जीत के जाना यहाँ से। रेडी हो नेक्स्ट टास्क के लिए, वो जीतना है, वो भी ऐसे फर्स्ट को कंप्लीट करा है, सेकंड को कंप्लीट करा है। कोशिश करी, 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करा, लेकिन सेकंड राउंड में ले जाऊंगा, फाड़ के रख दिया। सो टास्क 2 का नाम है लिफ्ट एंड रन। इस टास्क के बारे में मैं आप दोनों को क्विकली ब्रीफ कर दूं। ये टास्क एक टाइम बेस्ड टास्क होगा जहां पर आप दोनों खिलाड़ी एक साथ इस टास्क को शुरुआत करेंगे। इस टास्क में आपको 4 आइटम दिए गए, जो आपको पॉइंट ए से एक वेट उठाकर पॉइंट बी तक लेके जाना है, पॉइंट बी से दूसरे वेट को उठाकर पॉइंट ए तक लेके आना है, फिर से आपको पॉइंट ए से तीसरा वेट उठाकर पॉइंट बी तक ड्रॉप करना है, और फिर फाइनली पॉइंट बी से फोर्थ वेट को उठाकर पॉइंट ए तक लाना है, तब आपका एक लैप माना जाएगा। ऐसे आपको 3 लैप्स करने हैं। टास्क आपकी ताकत ही नहीं बल्कि आपका स्टैमिना भी जज करेगा। जो भी इस टास्क को पहले खत्म करेगा वो इस टास्क का विजेता होगा। आर यू रेडी? क्या लगता है ये फिर से आप पछाड़ देंगे इनको? इजी है आपके लिए यार, इनका कॉन्फिडेंस देखो, क्या लगता है आपको? मेरे लिए भी इजी है। आपके लिए भी इजी है? ऑल द बेस्ट आशीष। थैंक यू सर। बढ़ते हैं टास्क की तरफ, लेट्स बिगिन। So we are at the beginning of the task 2. Guys, are you ready? Yeah. Ashish, are you ready? Yeah. We begin the task in 3, 2, 1. All right, boy. Go. Yes. Easy boy. Very awesome. Aram se. It's okay. Pick it up. Amazing. All right, boy. Look at that power. Come on. Come on boy, quit karna nahi hai, aaram se aa. Come on, run. Aaram se, go into the back. Yeah. Go. Ashish has started lap 2 already. Good job Ashish, aaram se, full power here boy. Come on boy, this is amazing. Next lap shuru ho chuka hai, the third lap. चलो उठो, दिखाओ कितना दम है। इतना आसान लग रहा था क्या? उठाओ, चलो ये पावर। कम ऑन, आराम से। Come on. Ashish is incredible, Ashish. Get down. Sir, give me. नहीं गिरोगे? मैं हूँ, चलो। कुछ नहीं होगा, उठाओ। चलो उठाओ। Do it. Come on, boy. मैं हूँ boy. चलो। आज अपने को खत्म कर रहे हैं। सब सुपर खुद कर रहा है भाई। आ जाओ आगे। ये बात, चलो पैडल उठा, शोल्डर पे उठाओ। मैं हूं ना साथ, चलो। नहीं, उठ। तो बहुत क्रैम्प आ रहा है। कहाँ रहे? यहाँ रहे। आज खड़े रहे पहले। कट। ये बात, वॉमिट हो रहा है। आराम से। Don't worry. Push me. It's okay. थोड़ा पानी लाओ। दोस्तों, it has been an incredible day and an incredible experience for me as well. एक तरफ हमारे सुखचैन सिंह जी हैं यहाँ, बॉडी बिल्डर, जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं उल्टियाँ हो रही हैं, क्रैम्प्स आ चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर माहौल देखा जाए तो कुछ एक्सट्रीमली ऑपोजिट ही है। चल मेरे से गर्म करते हैं, आ जा। चल ओए ये बॉय, he's doing the fourth lap, can you believe it?
वाह ये बात ये है मेरा शेर चल भाई खत्म ये We finished the task in style. Ashish has proved once again powerlifting has been victorious in Zidd Wars. दोस्तों ये मसल ब्लेज का Zidd Wars कमाल ही है ना यहाँ कुछ टास्क पूरे नहीं होते यहाँ तोड़े जाते हैं जैसे आज आशीष ने टास्क को पूरा नहीं किया टास्क को कच्चा चबा दिया है और एक तरफ है हमारा बॉडी बिल्डर जिसने जी जान लगा के पूरी कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ा क्योंकि उसकी बॉडी के क्रैम्स आ चुके हैं मगर ये अंत नहीं है शो का तो दोस्तों अगर स्कोर की बात करें तो जहां एक तरफ हमारे सुखचैन सिंह हैं जिन्होंने 2 लैप किए हैं 3 मिनट 23 सेकंड में वहीं पर आशीष ने 3 लैप्स 2 मिनट 52 सेकंड में पूरा किया और आगे के 2 लैप्स तो मैं जोड़ भी नहीं रहा कांग्रेचुलेशंस आशीष यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब So guys, this brings us to the end of this MuscleBlaze Zidd Wars episode. So Chen, मैं यही कहूँगा कि दोबारा आपको लौटना है यहाँ से MuscleBlaze Zidd Wars जीत के जाएंगे. Next time आऊँगा और जीत के जाऊँगा. So Chen, I have something for you, man. खाली हाथ तो जाने दूँगा नहीं क्योंकि इतनी efforts डाले हैं आपने. ये MuscleBlaze Zidd Wars की तरफ से एक token of appreciation for all the hard work that you've put in today. I'm very proud of you and the fact कि आपने हार मानना कभी सिखाई नहीं. We are very proud of you. A big round of applause. ये एक टैग है जो आज मैं आशीष को सौंप रहा हूँ इस एपिसोड को देखने के बाद आज से हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आशीष को आशीष जिद्दी दाइमा के नाम से जानेगी कंग्रेचुलेशंस दिस इज टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू दिस इज योर ट्रॉफी द वेल डिजर्व ट्रॉफी एंड फॉलोड बाय योर गोल्ड मेडल एक बार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशीष तो दोस्तों मसल ब्लेज के जिद वॉस के इस एपिसोड में आज हमने ये जाना कि अगर हिम्मत हो तो लोहा लोहे से भी टकरा सकता है और ताकत ताकत को भी काट सकता है मगर दोस्तों दिस इज नॉट द एंड बिकॉज ये जिद कभी खत्म नहीं होने वाली ये वॉर चलते रहे स्टे ट्यून्ड एज आई कम बैक नेक्स्ट टाइम विद येट अनदर चैलेंज येट अनदर कंटेंडर एंड येट अनदर जिद